खेत को देखने आया था कि खुर्रा बन सकते हैं नहीं, लेकिन आप देख सकते हो इतना बड़ा जो फूटा हुआ है, इसको तो मिट्टी में बनने से नहीं रुक के पाएगा पानी। इसके लिए हम लोग बोरा लाए हैं, थैला थैला मिट्टी भर के इसको बांधने वाले हैं। तो मेड़ में इतना सारा कांटा लगा हुआ है, उसको अब साफ करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं झाड़ी कांटा। हेलो दोस्तों, मेड़ जो फूट गया उसको बांध रहा हूँ। इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ से मिट्टी लेकर वहाँ पर फूट गया तभी। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है देहराम ब्लॉग में। तो सभी को जय श्री महाकाल। तो आज का ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। आज हम लोग धान यानी बोने वाले हैं, खुर्रा बहु हमारे तरफ जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सीन होने वाला है, तो ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों का प्यार इसने सपोर्ट बनाए रखना है। तो करते हैं लेकर प्रभु का नाम, जय श्री महाकाल। तो लेट स्टार्ट। खेत को देखने आया था कि खुर्रा बन सकते हैं नहीं, लेकिन खेत में तो बहुत सारा घास जगा हुआ है, तो इसमें तो खुर्रा नहीं बन सकता है, तो लहरा ही बोना पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ सीन है। अब देखने जा रहा हूँ दूसरे खेत को, तो ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों, इस प्रकार से है नज़ारा अभी। तो पानी बहुत अभी लेट में, शायद सावन में ही बरसात होगा। तो हेलो दोस्तों, तो अभी मैं खेत देखने आया था, तो खेत में तो बहुत सारा अभी घास लगा हुआ है, तो खुर्रा जोतना नहीं बन पाएगा, लहरा ही बोना पड़ेगा। तो लेकिन पानी बहुत लेट है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे किसान का तो भी, किसानों भाइयों के लिए भी समस्या को उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पानी जब भी बरसात होगा तो वैसे ही खेती किसान स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर इसको जलाना पड़ेगा, लेकिन माचिस नहीं पकड़ा हूँ, तो चलते हैं माचिस लेने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ सीन है अभी। तो मौसम बहुत इस प्रकार से बचा हुआ है, उसको आग धराने वाले हैं, तो जो कि इसमें नागा नहीं कर सकता है, तो इसको सफाया करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, इसको आग लगाने वाला हूँ, तो बने रहना, ब्लॉग को करते हैं। तो आग लगा चुका हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर खेत को पूरी तरह से, अब दूसरे खेत में आ गए हम, देख सकते हो मेड़ में इतना सारा कांटा लगा हुआ है, उसको अब साफ करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं झाड़ी कांटा लगा हुआ कितना सारा। तो दोस्तों, इसको भी अब पूरा तरह से काट कर बाहर करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, अब काट चुका हूँ, देख सकते हो आप लोगों को नज़ारा बता रहा हूँ। इस प्रकार से साफ हो गया है, ये देख सकते हो इतना कांटा लगा हुआ था, अभी कैसे हो गया, क्लियर हो गया ना। तो दोस्तों, लाइक तो बनता है। हेलो दोस्तों, मैं जो फूट गया उसको बांध रहा हूँ। इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ से मिट्टी लेकर वहाँ पर फूट गया, तभी पानी रुकेगा, तब जाकर इसको जुताई करेंगे। इस प्रकार से है कुसिन, देख सकते हो जो खरपतनाशक छींचा था दवाई, वो अभी जड़ से मिटाने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो इस प्रकार से है कुसिन। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है किसान के बेटे के लिए। हेलो दोस्तों, ये जो मेड़ में बिल हो गया था, उसको अब मैं मिट्टी में दब दिए हैं, यानी बांध चुके हैं। इस प्रकार से पानी अब रुक जाएगा। तो देख सकते हो इतना सारा हो गया था, इसमें आज काम किए हैं। तो इस प्रकार से है नज़ारा, पानी रुक जाएगा, उसके बाद फसल करें बोएंगे। तो गाइस, बताना है ब्लॉक के बारे में, अब चलते हैं घर। तो फाइनली अब मेड़ पहाड़ को बांध चुके हैं, तो अब यहाँ से निकलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना है। तो यहाँ से निकलते हैं, सो बने। आप देख सकते हो इतना बड़ा जो फूटा हुआ है, इसको तो मिट्टी में बनने से नहीं रुक के पाएगा पानी। इसके लिए हम लोग बोरा लाए हैं, थैला थैला मिट्टी भर के इसको बांधने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुछ सीन है, देख सकते हो छोटा छोटा हमारा खेत है, तो क्या करने, काम ज़्यादा करना पड़ता है। इतना सारा देख सकते हो आप लोग। अब इसी को मैं बांधूंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ सीन है। अब रांपा फड़ा में अब मिट्टी खोदने वाला हूँ, उसके बाद थैला में भरूंगा, उसके बाद बांधूंगा। तो करते हैं काम को स्टार्ट दोस्तों। इस प्रकार से मिट्टी को भर लिया हूँ थैला में, अब उसको बांध कर यहाँ पर बांधने वाले हैं। तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस प्रकार से है, 4 बोरी में भरा हुआ हूँ। इस प्रकार से इसको ऐसे बांधना है, तब यहाँ पर खेत में पानी रुकेगा, तब फसल लगा सकेंगे। तो इस प्रकार से है दोस्तों कुछ सीन। तो प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट वीडियो में बने रहना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कार्य करने वाला हूँ, बांधने वाला हूँ। तो फाइनली अब बांध चुके हैं, काम करके देख सकते हो आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से बांधे, तब जाकर पानी रुकता है इस खेत में। बहुत मेहनत करने, तख्त करने के बाद
इसमें फसल बहुत कम होता है क्योंकि हमेशा पानी चलता रहता है, तो इस प्रकार से कुछ सीन है। तो हेलो दोस्तों, फाइनली अब घर आ गया हूँ, टाइम भी हो गया, 1 बज गया है, तो अब नहाने जाने वाला हूँ, तो बना रहना ब्लॉग में, उसके बाद नाश्ता। तो आज का ब्लॉग कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों स्नान धोकर आ गए हैं, अब खाने भोजन करने वाले हैं, तो भोजन में क्या क्या है तो ब्लॉग में बने रहना है दोस्तों, आप लोगों को बताने वाला हूँ भोजन में, अब दोपहर के भोजन में क्या है। तो चावल और सब्जी, आज का भोजन दोपहर का खट्टा सब्जी, यानी इसको बोलते हैं मही, और भिंडी और ये चावल। तो करते हैं नाश्ता।